ठीक है, ड्रामा मुझे नहीं पता होगा बिकॉज आई डोंट वॉच ड्रामास. आई मीन आई हैव हार्डली वॉच्ड अ कपल ऑफ देम. पाकिस्तानी ड्रामा जिस पे हम उछलते हैं, आपने एक दो देखे. आउट ऑफ 10 कितना दोगे? आई वुड से 10/10. 10/10. एंड आई लाइक आई लव द कपल एज वेल. गेस व्हाट, आई डिडंट वॉच दैट. नहीं, मैंने भी नहीं देखा. हां, लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब हाउ कम. लोग कहते हैं कि भाई वो नहीं देखा तुम जिंदा कैसे. हां बिल्कुल ऐसे ही है. बोरे बल्कि समझते हैं हम लोग बहुत अट्रैक्टिव हैं. कहते हैं बड़ा कोई चॉकलेटी किस्म का रंग है, मतलब कहते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आज हम बनाएंगे एक वीडियो. क्या वीडियो? रिएक्शन वीडियो. रिएक्शन वीडियो नहीं है ये. मैं दिखाऊंगा मरियम को पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेसेस. आपने गेस करनी होगी, कोई ड्रामा बताना होगा उसका. ओके. और बताना होगा और 1-5 रेट करना होगा कि कौन सबसे प्यारी है आपकी नज़र में. ठीक है, ड्रामा मुझे नहीं पता होगा बिकॉज आई डोंट वॉच ड्रामास. आई मीन आई हैव हार्डली वॉच्ड अ कपल ऑफ देम. पाकिस्तानी ड्रामा जिस पे हम उछलते हैं, आपने एक दो देखे. हां, जिस पे हम उछलते हैं पाकिस्तानी ड्रामों पे. हाँ? वो आपने एक दो देखे जी. ये आयजा खान है, बड़ी छाई भी आजकल मैंने देखा है ये. इसका बड़ा पता है, मतलब वो जो एक ड्रामा इसका था मेरे पास तुम हो, आफ्टर दैट शी गॉट रियली फेमस. जो आपने देखा था? जो मैंने देखा था. अच्छा, पहला ड्रामा वो आ गया जो देखा होगा मरियम ने. Out of 10 कितना दोगे? I would say 10/10. 10/10. And I love the couple as well. मतलब in general her whole thingy. I mean I don't know her of course, but like how she looks like, how she carries her outfits and how she. Swaggy बंदे, cute, simple, decent. Yes. I would say. मैं 9/10 दूँगा. थोड़ा margin रख रहे हैं ना आप. थोड़ा क्या पता और कोई आ जाए. Good. Standard high है ना मेरे. ये कौन है जी? माहिरा खान of course. रोल के हिसाब से ना मोल्ड अच्छा कर लेती है अपने आप को, जो मैंने नोटिस किया. लाइक रोना और रो लेती हैं. फ़नी रोल मैंने नहीं देखा, मेरे नहीं ख्याल मैंने फ़नी रोल्स में इतना देखा. हाँ, आपने देखा? नहीं. माहिरा खान अगर आप हम सुन रहे हो तो कोई हमें फ़नी चेहरा भी अपना दिखा दो. जी फ़नी मूवीज़ में आया. ड्रामा में क्यों नहीं आती हैं लोग? आती हैं माहिरा. हाँ यार, बड़ा फवाद खान के साथ जो था, क्या नाम था उसका? हम सफ़र. गेस व्हाट, आई डिडंट वॉच दैट. नहीं, मैंने भी नहीं देखा. हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब हाउ कम. लोग कहते हैं कि भाई वो नहीं देखा तुम जिंदा कैसे. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. यही है ना. ऑक्सीजन कैसे आ रही है? ये वो गेम ऑफ थ्रोन जिसे ना देखो. मैंने नहीं देखा, मार दिया जाए मुझे. जिंदा कैसे हो? यही मैं छलांग लगा दूं बाहर यहाँ से. हाँ, एक मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं. एक मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं. यार ये सज्जल इज क्यूट. सज्जल इज क्यूट. क्या रेट करोगे सज्जल को? 9.5. अच्छा, आयजा खान जी. आयजा खान मतलब लेट्स मेक हर 9.5 एज वेल. अच्छा, वो अब नीचे ले आए. थोड़ा सा मैंने कहा कि ज्यादा ही हाई चली गई थी. लेकिन सज्जल यार मतलब क्या क्यूट. सज्जल इज क्यूट. यस यस. सज्जल अगर आप सुन रहे हो ना तो बिग फैन. अच्छा जी, ये हैं कौन? सबा कमर. यार ये सबा कमर की एक तो एक्टिंग बेहतर से बेहतर होती जा रही है और बंदी जवान से जवान होती जा रही है. क्या कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे? हाँ, हमें 30 से ऊपर जाते हैं, हम कहते हैं यार ये क्या है. अभी गए नहीं है लेकिन फिर भी डर नहीं आ रहा 30 से ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा. ये मुझे लग रहा है 40 से ऊपर गई होंगी, चली गई होंगी. 30 से ऊपर चली जाती हैं एक्ट्रेसेस तो देन दे डोंट केयर एनीमोर. दे आर लाइक ओके व्हाट द हेल नाउ. नहीं, ये केयर करनी है तो ऐसी है ना. दे केयर इन अ सेंस कि दे डोंट केयर अबाउट देयर एज. लाइक ओ माय गॉड, नाउ आई एम 30 प्लस, यू नो. तो वो खूबसूरत कैसे हो जाती हैं? मतलब ये देखिए, ये 30 प्लस लग रहा है कहीं से. आई थिंक 35 की है थी. नहीं, मेरे ख्याल है 40 करने वाले. हम छोटे छोटे तो देते कुन्नुन काके से बच्चे जब से हम देख रहे हैं सबा कमर को. लेकिन आई स्टिल डोंट नो द करेक्ट एज ऑफ सबा कमर. बट जो भी है यार, जिस तरह से आपने मेंटेन किया हुआ है और मतलब क्या लेवल है और कसम से. क्या रेट किया सबा कमर को आपने? सबा कमर को मैंने 8 किया रेट. 8 किया? आई मीन शी इज नॉट वन ऑफ माय फेवरेट्स. ओके,
आपकी फेवरेट में से नहीं है, समझ गया है जी। ये बंदी का नाम, हाँ बंदी का मुझे पता है क्या है इसका नाम? अपनी तरह माइकल ने, हाँ क्या नाम है इसका, आई फॉरगॉट हर नेम, मुझे भी नहीं आता था, मैं देखता हूँ। एक्ट्रेस आई थिंक कश्यप नाम है। हाँ ये लेकिन ये ड्रामा में इसका नाम कश्यप है, इसका ओरिजिनल नेम कश्यप। अच्छा अच्छा चेक करें इंफॉर्मेशन, हालात चेक करो यार, मुझे भी पहले नहीं पता था, अभी पता चला है। सनम सईद नाम है जी, सनम सईद नाम है। क्या ख्याल है सनम सईद के बारे में? I think she is good. क्या एलिगेंट, क्या डिसेंट बंदी है। yes. कोई मतलब इतनी अंडररेटेड है जो मुझे फील आती है, बहुत अंडररेटेड है कि जो एक्टिंग के कमाल की करती हैं। मतलब आपने देखा इनका जिंदगी गुजार है? नहीं या वो देख लो, अगर मूवी देखी है इसकी, पता नहीं कौन। और हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं यूरोपा पार्क, यूरोप का दूसरा बड़ा पार्क। पहला बड़ा पार्क फ्रांस में है, डिज्नीलैंड। ये मुझे आज ही पता लगा, वैसे पहले मुझे लगता था यूरोपा पार्क सबसे बड़ा पार्क है। चलें, इन्हें कितना रेट करोगे? सारा फोकस आप पे, कैमरे 8.5 डिजर्व नहीं करती आप फोकस। मैं दूंगा इन्हें 10। ये है मेरा स्टैंडर्ड, मतलब बहुत हाई है। इन्हें मैनेज करना मुश्किल है, बहुत अंडररेटेड है यार। सब कुछ कंबाइन किया जाए ना, पर्सनैलिटी, एक्टिंग, लुक्स वाइज, चलें लुक्स वाइज अच्छी हैं, मतलब ये नहीं कहूँगा, शी लुक्स लाइक क्लासी किस्म की टच आता है और प्यारी भी हैं, बट वो जो होता है ना गोरा रंग और ये वो जो स्टैंडर्ड बना दिए गए ब्यूटी के, हाँ पाकिस्तानी स्टैंडर्ड, वो आई गेस काफ़ी लोग ना उस लिहाज से कहेंगे कि अंडर रेट किए हुए हैं। हाँ लेकिन यार मतलब मतलब मेरे ख्याल है एक्टिंग की बेस पे एक्ट्रेस को देखना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी वाइज देखना चाहिए। ये गोरे काले, इतने गोरे देख लिए ना हमने, अभी यूँ कैमरा मोड़ूंगा 50 गोरे नहीं पीछे बैठे होंगे। मतलब गोरा होना खूबसूरती नहीं है, वो क्या है गोरा होना, मतलब हमें हम कहते हैं यार गोरे चमड़ी दूर रहो, मतलब रेजिस्टमेंट हो गया, लेकिन अट्रैक्शन नहीं है यार। आई डोंट थिंक गोरे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, गोरे बल्कि समझते हैं हम लोग बहुत अट्रैक्टिव हैं, कहते हैं बढ़िया कोई चॉकलेटी किस्म का रंग है, मतलब कहते हैं हाँ क्या सीक्रेट, क्या है सीक्रेट, क्या है इसके पीछे। हाँ हम कहते हैं हमारे अम्मा अब्बा और क्या सीक्रेट, तो हम देसी, लेकिन हाँ वी आर प्राउड ऑफ आवर कलर। ये जो ब्राउन ब्राउन कलर है ना यार, मतलब हमारा नेक्स्ट लेवल है। नहीं हम नेचुरल टैन है, ये लोग धूप में सड़ते रहते हैं हमारे जैसा होने के लिए, रेड और ब्राउन समथिंग को जो कहते हैं यार तुम लोग इतना प्यारा कलर है चॉकलेटी, तो बी प्राउड ऑफ हु यू आर। और आई एम रियली प्राउड कि यार मैं ब्राउन हूँ, चॉकलेटी हूँ, मैं भी ब्राउन हूँ। हाँ लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा गोरा हूँ। देखो ये वाली मेंटालिटी जो है ना, ये वाली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।